गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमने कार्ल पियर्सन का मॉडिफाइड वर्जन जो था दिस फॉर्मूला, ये हमने कल अप्लाई किया था वेयर आर इक्वल्स टू समेशन एक्स वाई अपॉन अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर इंटू समेशन वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हमने कल कर लिया था। अब जैसे आप समझ लीजिए, जैसे हमने मीन पढ़ा था, एक उसका हमारे पास फॉर्मूला होता था, तो वैसे ही कोफिशिएंट कोरिलेशन के लिए ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसका भी शॉर्टकट मेथड और इसका भी स्टेप डेविएशन मेथड है, जैसे हमने सेम मीन में किया था। ये इसका बेसिक जो है फॉर्मूला है, और अब हम इसका देखते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। अब स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या है, R इक्वल्स टू समेशन डी एक्स इंटू डी वाई माइनस समेशन डी एक्स इंटू समेशन डी वाई अपॉन एन अपॉन अंडर रूट समेशन डी एक्स स्क्वेयर माइनस समेशन डी एक्स द होल स्क्वेयर। ये एक्स स्क्वेयर और ये द होल स्क्वेयर का डिफरेंस समझिएगा आप लोग, ये मतलब जो डी एक्स है समेशन उसका पूरे का स्क्वेयर है। ठीक है, और यहाँ पर है जब डी का एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई किया है उसका समेशन अपॉन एन इंटू समेशन डी वाई स्क्वेयर माइनस समेशन डी वाई द होल स्क्वेयर अपॉन एन। इस केस में अब आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, सबसे पहले ये हम वहाँ अप्लाई करते हैं जहाँ पर जो मीन है वो हमारा एक्चुअल नंबर में नहीं होता बल्कि फ्रैक्शंस में आता है। जहाँ पर फ्रैक्शंस में मीन आएगा, जहाँ पे हमें डेविएशन लेनी होती थी। लास्ट केस में तो हमने एक्चुअल मीन को कंसिडर करके डेविएशन ले लिया था। इस केस में क्या है शॉर्टकट मेथड में, कि जब हमारा मीन जो है वो एक्चुअल नंबर में होके ना होके फ्रैक्शन में होगा, तब हम इसे यूज़ करेंगे। और इसमें हमारे प्रोसीजर क्या होंगे कि एक्स एंड वाई सीरीज में से किसी भी वैल्यू को हम मीन ए एक्स एंड ए वाई कंसिडर करेंगे। ठीक है, और अज्यूम्ड मीन मेथड से, अज्यूम्ड मीन मेथड याद है, उसकी हेल्प से हम निकालेंगे डी एक्स जो कि होगा एक्स माइनस ए एक्स, मतलब एक्स माइनस अज्यूम्ड मीन ऑफ ए सीरीज, और फिर हम वहां पे वाई सीरीज का जो है उसका अज्यूम्ड मीन करके निकाल लेंगे हम वहां पे डी वाई। ठीक है, मतलब कि डेविएशन ऑफ एक्स एंड डेविएशन ऑफ वाई ये हमने निकाल लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो डी एक्स हमने निकाला है उसका समेशन करेंगे और समेशन डी वाई हम करेंगे ऐड करने के बाद, और उसके बाद उन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या निकल जाएगा, उनको मल्टीप्लाई करने के बाद जब उनका टोटल करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा समेशन डी एक्स इंटू डी वाई, तो वो हो जाएगा समेशन डी एक्स डी वाई। और उसके बाद जो डी एक्स कॉलम है उसका जो होगा हम उसको स्क्वायर लेंगे, डी वाई का हम स्क्वायर लेंगे, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा समेशन डी एक्स स्क्वायर एंड समेशन डी वाई स्क्वायर। अब आपको बेसिकली जो याद रखना होता है वो है आपका ये फॉर्मूला। ठीक है, क्योंकि कन्फ्यूजन आपको तभी होगी जब आपको फॉर्मूला नहीं याद होगा। आपको जब फॉर्मूला याद होगा तो आपको इतना पता होगा कि इसमें मुझे क्या क्या फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपको डी एक्स डी वाई निकालना है, वो डी एक्स डी वाई कब निकलेगा, जब हम सबसे पहले डेविएशन निकालेंगे एक्स सीरीज में से एक वैल्यू को मीन कंसिडर करके, अज्यूम्ड मीन कंसिडर करके। ठीक है, एक न्यूमेरिकल हम देखते हैं इसी की जैसे। अब ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, प्राइस एंड सप्लाई। प्राइस है 4, 6, 8, 15, 20, सप्लाई है 10, 15, 20, 25, 30। ठीक है, अब इसको हमने टेबुलर फॉर्म में सबसे पहले प्रेजेंट किया। ये हमारे प्राइस x है 4, 6, 8, 15, 20 एंड टोटल कितना है 5, नंबर ऑफ आइटम्स हमारे पास 5 है यहाँ पे। वैसे ही हमने y को लिख लिया 10, 15, 20, 25, 30, एन कितना है 5। अब जब मीन में हम अज्यूम्ड करते थे तो हम वैल्यू को अज्यूम करते थे, तो यहाँ पे हमने 8 को कंसिडर कर लिया है अज्यूम्ड मीन, और अब हम निकाल रहे हैं डेविएशन ऑफ एक्स। तो डेविएशन कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस ए, राइट। तो हमने क्या किया, एक्स है 4 माइनस 8 को हमने ए कंसिडर किया है, तो 4 माइनस 8 इज माइनस 4, 6 माइनस 8 इज माइनस 2, 8 माइनस 8 इज 0,
15 माइनस 8 इज 7 एंड 20 माइनस 8 इज 12। अब हमने dx का टोटल निकाल लिया जो कि है समेशन dx इक्वल्स टू 13। मतलब कि हमें इसमें समेशन dx चाहिए कहीं पे, यहाँ पे चाहिए था हमें dx, तो हमने dx निकाल लिया। अब बात है यहाँ पे हमें समेशन dy चाहिए, तो अब हम सबसे पहले मूव ऑन करेंगे y में, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे इसमें से हमने 20 को कंसिडर कर लिया है अज्यूम्ड, ठीक है। अब इसके बेस पे हम डेविएशन निकालेंगे, तो 10 माइनस 20 इज माइनस 10, 15 माइनस 20 इज माइनस 5, 20 माइनस 20 इज 0, 25 माइनस 20 इज 5 एंड 30 माइनस 25 इज 10, ठीक है। अब आपको ये याद रखना है कि आप हमेशा सीरीज में से ए को माइनस करते हैं। बहुत स्टूडेंट्स ने दिसंबर एग्जाम में मीन में ये गलती की थी कि वो उल्टा माइनस कर रहे थे। आप ए में से कभी वैल्यू नहीं माइनस करते हैं, आप वैल्यू में से ए को माइनस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने इसका टोटल किया और हमारे पास आ गया समेशन डी वाई, ठीक है। उसके बाद अब क्या है, समेशन डी वाई भी हमने निकाल लिया। अब हमें यहाँ पर चाहिए समेशन डी एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, समेशन डी एक्स स्क्वायर चाहिए हमें। तो सबसे पहले ये हमारा डी एक्स निकल गया था, अब इसका हम करेंगे ये जो कॉलम है इसका स्क्वायर। तो फोर का माइनस फोर का स्क्वायर होगा 16, माइनस टू का स्क्वायर है 4, जीरो का स्क्वायर 0, 7 का स्क्वायर 49 एंड 12 का स्क्वायर है 144। इनको टोटल किया, हमारा आ गया समेशन डी एक्स स्क्वायर दैट इज 213। तो हमारे पास समेशन डी एक्स स्क्वायर भी यहाँ पर निकल गया। अब हमें चाहिए समेशन डी एक्स द होल स्क्वायर, मतलब कि ये जो वैल्यू है डी एक्स, ठीक है, होल स्क्वायर और स्क्वायर में फर्क होता है, कंफ्यूजन मत होइएगा इसमें। अब आपको चाहिए यहाँ पे इसका द होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे 13 का होल स्क्वायर इंटू अपॉन यहाँ पे 5 मेंशन करेंगे। अब चाहिए समेशन डी वाई स्क्वायर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डी वाई निकाल लिया था ऑलरेडी, ये हमारा डी वाई निकल गया। अब हमें इसका करना है स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर इज 100, 5 का स्क्वायर इज 25, 0 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 25 एंड 10 का स्क्वायर 100। तो इसको हमने समेशन डी वाई स्क्वायर किया तो हमारा ये आ गया 250। तो समेशन डी वाई स्क्वायर की जगह पे हम लिखेंगे 250। यहाँ पर है समेशन डी वाई द होल स्क्वायर, मतलब कि ये डी वाई 0 का होल स्क्वायर हम यहाँ लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 5 जो कि हमारा नंबर ऑफ आइटम्स है। ये आप देखिए फॉर्मूला एज इट इज़ है, समेशन डी एक्स इंटू डी वाई माइनस समेशन डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन एन अंडर रूट समेशन डी एक्स स्क्वायर माइनस समेशन डी एक्स द होल स्क्वायर अपॉन एन इंटू अंडर रूट समेशन डी वाई स्क्वायर माइनस समेशन डी वाई द होल स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है। तो अब समेशन डी एक्स डी वाई भी हमें चाहिए, तो ये जो डी एक्स है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस डी वाई से और अलग से हम एक कॉलम बनाएंगे जिसका नाम होगा डी एक्स डी वाई, मतलब कि डी एक्स और डी वाई को मल्टीप्लाई किया। माइनस फोर इंटू माइनस टेन इज 40, माइनस टू इंटू माइनस फाइव इज 10, जीरो इंटू जीरो इज 0, 7 इंटू 5 इज 35 एंड हियर 12 इंटू 10 इज 120। इसका हमने टोटल किया, ये आ गया 205। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, समेशन डी एक्स अपॉन समेशन डी एक्स डी वाई क्या आया हमारे पास 205 है। इसको हमने लिख लिया फॉर्मूला में, माइनस 13 इंटू 0, ये मैंने आपको बताया था ये 13 की वैल्यू और ये 0 एज इट इज अपॉन 5 जो एन है हमारा, फिर अंडर रूट 213 कहाँ से, समेशन जो हमारा आया था क्वेश्चन था समेशन डी एक्स स्क्वायर दैट इज 213 माइनस समेशन डी एक्स द होल स्क्वायर, मतलब 13 का होल स्क्वायर अपॉन 5 इंटू 250 माइनस 0 स्क्वायर अपॉन 5। तो ये हो गया हमारा, इसको जब कंप्यूट किया 13 इंटू 0 इज 0, ये हो गया हमारा 0। तो 205 माइनस 0 अपॉन
213 माइनस 13 का होल स्क्वायर क्या होगा 169 अपॉन 5 इज 33.80 एंड 250 माइनस 0 का होल स्क्वायर 0 और 0 से जब किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो वो हो जाता है 0। तो ये हो गया हमारा 205 अपॉन 213 माइनस 33.80 इज 179.80 इंटू 250 अंडर रूट। तो ये हो जाएगा 205 अपॉन, अब 179.20 का स्क्वायर रूट होगा 13.39 इंटू 250 का स्क्वायर रूट है 15.81। ये हो जाएगा हमारा 205 अपॉन 211.70। जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा आपका आंसर। अब इसमें अगर कुछ टफ है, सबसे पहला है फॉर्मूला को याद रखना। फॉर्मूला तभी याद होगा जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की। दूसरी चीज़, इस चैप्टर में आपकी मैथ्स स्ट्रांग होनी चाहिए। स्ट्रांग का मतलब आपको स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए और आपको नंबर के स्क्वायर्स आने चाहिए। 25 के तो स्क्वायर्स एटलीस्ट 1 to 25 के तो स्क्वायर्स आपको आने ही चाहिए। और उसके बाद स्क्वायर रूट, अंडर रूट हम कैसे निकालते हैं ये आपको आना चाहिए। ठीक है, इसको आप लोग प्रैक्टिस करिए घर पे कि स्क्वायर क्या होता है, अंडर रूट कैसे निकालते हैं। अगर किसी को उसके बाद भी डाउट होता है तो जो डाउट क्लियरिंग सेशन होगा वहाँ पे क्लास में हम लोग फिर इसके लिए प्रैक्टिस करेंगे कि स्क्वायर रूट्स कैसे निकालने हैं, अगर किसी को नहीं आ रहा है तो। अदरवाइज अगर आपकी मैथ्स जो है 10th में आपने ये सब पढ़ा होगा उसको आप रिवाइज करिए। और फॉर्मूला तभी आपको याद होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे रेगुलर। ओके, तो ये आपका यहाँ पर एंड हो गया कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन, जो हमारा आया 0.97 पॉजिटिव में, मतलब कि हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन है ये। नेक्स्ट है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड, जो हम लोग कल करेंगे क्योंकि आज के लिए आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग घर पे सॉल्व करिएगा और कोई डाउट होता है देन वी विल क्लियर इन द डाउट क्लियरिंग सेशन।